योगी आदित्यनाथ जी के जो बयान हैं कि जाति और मजहब से ऊपर उठ के काम कार्य करते हैं, उनके जो बयान हैं उनके कृत्यों से कहीं मेल नहीं खाते हैं। अगर जाति और मजहब से ऊपर उठ के कार्य करते तो उत्तर प्रदेश के 5 एग्रीकल्चर विश्वविद्यालयों में सिर्फ जाति के लोगों की ही नियुक्ति नहीं करते। उत्तर प्रदेश के बांदा यूनिवर्सिटी में जब नियुक्ति हुई तो 16 में से 13 अपनी जाति के लोगों को। तो सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जातिवादी है, और योगी आदित्यनाथ जी को, मुख्यमंत्री जी को अगर उत्तर प्रदेश की बर्बरता नहीं दिख पा रही है तो कम से कम जमीन पे उतरे। अभी चंदौली में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, अभी आज जालौन में पुलिस कस्टडी में एक युवक की हत्या कर दी गई, अभी कुछ दिन पहले मेरठ में भूख और बेकारी से तंग आकर के राजेंद्र प्रजापति ने अपने बिटिया के साथ आत्महत्या कर लिया। तो लगातार उत्तर प्रदेश में बर्बरता है, बदहाली है। उत्तर प्रदेश में 2 साल में 17-18 पेपर लीक हुए, आज तक कहीं कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ प्रचार के माध्यम से सरकार चलाई जा रही है और लूट का तंत्र है। उनके ही पूर्व मंत्री ने स्वीकारोक्ति करी है कि उत्तर प्रदेश लूट का अड्डा हो चुका है, 42 सालों में सबसे भयंकर भ्रष्टाचार है और 45 सालों की सबसे बड़ी बेरोजगारी है। और जो नड्डा जी कह रहे हैं, सबसे ज्यादा परिवारवाद तो उनके नाक के नीचे है। राजनाथ सिंह के घर में देखना चाहिए कि उनके सुपुत्र क्या कर रहे हैं, पीयूष गोयल का राजनैतिक जो उत्तराधिकारी, किसके राजनैतिक उत्तराधिकारी हैं। तो सबसे ज्यादा अगर अपने लोगों को और परिवारवाद को पोषण करने का काम, चाहे आर्थिक, सामाजिक, चाहे राजनैतिक हो, तो वो बीजेपी का है। और बीजेपी अब दूसरों को क्या तोहमत देगी और क्या सीख देगी, उसके अंदर ही चारों तरफ फूट है और चारों तरफ लूट है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 400 ना पार का नारा दिया था और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से भी दूर कर दिया। आज जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक थी, जिसमें उत्तर प्रदेश में मिली करारी हार पे चिंतन करना था, मंथन करना था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो केवल कांग्रेस पे, समाजवादी पार्टी पे, विपक्षी दलों पे आरोप लगाते नजर आए। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस सरकार में चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया गया, खरीद फरोख्त का काम किया गया, वो सरकार आज संविधान की बात कर रही है। जिस सरकार में आरक्षण जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। समाजवादी पार्टी समझती कि भारतीय जनता पार्टी उसने हमेशा लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया है, दलों को तोड़ने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी कार्य समिति की बैठक में आत्मचिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि जनता ने आखिर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में क्यों नकार दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।